हेलो गाइस, बुंदेसलीगा का आज का मैच बुर्शिया डॉर्टमुंड वर्सेस फ्रैंकफुर्ट के बीच में होने वाला है। तो चलिए इस मैच का न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कंफर्म लाइनअप्स और फाइनल टीम्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो भी फर्दर अपडेट्स आएगा, मतलब जो भी मैचेस मैं खेलूँगा, मैक्सिमम मैचेस की टीम्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ज्वाइन कैसे करना है? सिंपल तरीका है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या कमेंट में पिंट कमेंट चेक करो, मतलब पहला कमेंट, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा हूँ, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 26,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुका है, अब भी ज्वाइन करो, फ्री में बेनिफिट्स उठाओ। देखो, बेसिकली बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं लास्ट में लाइनअप्स में, इस वजह से जो भी मेरा फाइनल टीम होगा आफ्टर लाइनअप्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या कमेंट में पिन कमेंट, वही एक ही मात्र तरीका है टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का। तो उस वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। आफ्टर लाइनअप जो भी फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देर मत करिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं। सो स्टार्ट विथ मिसिंग प्लेयर की लिस्ट। बुर्शिया डॉर्टमुंड की बात करूँ तो मोकोको आउट है, जॉर्डन सैंचो आउट है, मार्सल सेमचार आउट है, एक्सल उट्सल आउट है, डैन एक्सलर जज्जू आउट है, मैथ्यू मोरे डाउटफुल है। और यहाँ पे फ्रैंकफुर्ट की बात करूँ तो अचे आउट है, हसाबे आउट है, हिंटिंगर आउट है। तो जितने भी आउट प्लेयर्स हैं ना, इन सारे प्लेयर्स को पिकअप मत करना आपकी टीम में, ये नहीं खेलने वाले। सिर्फ मैथ्यू मोरे का न्यूज़ आना बाकी है, डेडलाइन के घंटा पहले उनका न्यूज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड। सो डॉर्टमुंड की बात करूँ तो लास्ट 5 मैचेस में 1 मैच में लॉस फेस किए हैं, 2 मैच में जीत हासिल किया है और 2 मैच में ड्रॉ किया है। तो रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा मतलब अप्स डाउन चल रही है डॉर्टमुंड की। फ्रैंकफुर्ट की बात करूँ तो लास्ट 5 मैचेस में 1 मैच में लॉस किया है, या फिर 2 मैच में विन किया है, जहां पर बायर्न म्यूनिख एक बड़े टीमों के खिलाफ विन किया है, और 2 मैच में ड्रॉ किया है। तो देखो, फ्रैंकफुर्ट एक ऐसी टीम है जो बहुत बड़े बड़े टीम को डाउन में ला सकते हैं, बहुत बढ़िया थ्रेटिंग एबिलिटी है फ्रैंकफुर्ट के पास जो अटैक करते हैं। इनका जो ट्रायो है ज़बरदस्त है, तो डेफिनेटली फ्रैंकफुर्ट के पास वो क्वालिटी है जो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। देखो, बायर्न म्यूनिख टीम को जो टीम हरा सकते हैं वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं वर्ल्ड के, तो फ्रैंकफुर्ट को आप उतना आसानी से नहीं ले सकते हो। यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो लास्ट 5 मैचेस में डॉर्टमुंड 2 बार जीता है, फ्रैंकफुर्ट जीता नहीं है, लेकिन फ्रैंकफुर्ट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं हमेशा, 3 टाइम ड्रॉ किया है, और इस मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है मुझे फ्रैंकफुर्ट से। देखो, यहाँ पे क्लियरली फेवरेट नहीं है डॉर्टमुंड, लेकिन स्लाइट फेवरेट ऑब्वियसली डॉर्टमुंड है, क्योंकि उनके पास हालैंड जैसे प्लेयर है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का प्लेयर्स है, लेकिन फ्रैंकफुर्ट में भी क्वालिटी है। तो फ्रैंकफुर्ट टीम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इस टीम में मैं स्लाइट एज दूंगा डॉर्टमुंड की। अगर कोई भी टीम क्लीन शीट रखती है ऑब्वियसली वो डॉर्टमुंड ही होगा, लेकिन फ्रैंकफुर्ट मुझे लगता है इस मैच में डेफिनेटली स्कोर कर सकती है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन इस मैच में 1-1 ड्रॉ या 2-1 से डॉर्टमुंड इस मैच को जीत सकते हैं। मुझे लगता है बोथ साइड स्कोर इस मैच में होने वाला है और डॉर्टमुंड स्लाइट फेवरेट रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पॉसिबल लाइनअप्स दोनों टीमों की, और सारे प्लेयर्स के स्टैट्स बताएंगे और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की ऑप्शन देंगे और मेरी टीम प्रीव्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बुर्शिया डॉर्टमुंड से स्टार्ट करूंगा पॉसिबल लाइनअप्स की। तो मार्विन हिट्स आपको गोलकीपर्स में दिख जाएगा, अच्छे गोलकीपिंग करते हैं, अच्छे गोलकीपर्स है ये है, अगर इनको ऑन टारगेट ज़्यादा फेस करने को मौका मिला तो अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। डिफेंडर्स में राफेल गुडेरो वापसी कर चुका है इंजरी से, तो डेफिनेटली ज़बरदस्त पिक होने वाला है राफेल गुडेरो, ज़बरदस्त फ्री किक टेकर है, असिस्ट पोटेंशियल बहुत हाई है, इवन गोल स्कोर कर सकते हैं, दबा के परफॉर्मेंस दे सकते हैं। राफेल गुडेरो वन ऑफ द टॉपेस्ट डिफेंडर्स में आते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर है। मैट होमल्स, अकिनी और थॉमस मेनियर, देखो चारों ही डिफेंडर्स लाजवाब है, अगर आपको लगता है ये टीम क्लीन शीट रखेगा चारों ही डिफेंडर्स को आप निस्संदेह ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ड्रॉप करने का मन करे तो थॉमस मेनियर को ड्रॉप कर सकते हो। ये उतना ज़्यादा मतलब टैकलिंग इंटरसेप्शन में जाते नहीं है, लेकिन एक आधी ऑन टारगेट रख सकते हो, उसका रीज़न है हेडर में स्ट्रांग है। तो थॉमस मेनियर को आप ड्रॉप कर सकते हो रिक्स लेके, अगर आपको लगता है ये टीम क्लीन शीट नहीं रख पाएगा तब, ठीक है। लेकिन राफेल गुडेरो, मैट होमल्स और अकिनी को मैं हाईली सजेस्ट
करूंगा। अकिन और राफेल गुडेरो इंजरी से आ रहे हैं, तो इन दो को भी आप ड्रॉप करने का सोच सकते हो, लेकिन दोनों ही क्लास प्लेयर है, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने दिन पर, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट देते हुए आपको दिख सकते हैं। इमरी केन भी आपको डिफेंडर सेक्शन में दिखेगा, ये भी एक अच्छा पीक है और अभी मिडफील्डर्स में शिफ्ट किया है, तो अटैकिंग थ्रेट भी इनसे आप देख सकते हो। तो इमरी केन मास्ट हैव चॉइस है, इवन कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के तौर पर इनको यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होने वाला है इस मैच में। अब बात करूं उनके साथ साथ थॉमस डेलनी और जूडे बिलिंगहम खेलेगा। लास्ट जो मैच हुआ था जूडे बिलिंगहम वहाँ पे स्कोर किए थे, तो अच्छे प्लेयर हो सकते हैं जूडे बिलिंगहम, बहुत कम लोग इनको पिक करने वाले हैं, लेकिन अगर आप लेते और अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते तो अच्छा मार्जिन से आप जीतने वाले हो। बिलिंगहम को उतना ज़्यादा जनता पिक करने वाला नहीं है स्मॉल लीग में, मोस्ट ऑफ द टाइम इनको ड्रॉप ही करके आएगा सब लोग। अगर अच्छा कर गया, गोल स्कोर कर दिया या असिस्ट कर दिया, तो अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं जूडे बिलिंगहम। अब ग्रैंड लीग में डेफिनेटली इनको यूज़ करना। थॉमस डेलनी को मैं उतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न है उतना खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन अब प्लेयर अच्छा है, टैकलिंग इंटरसेप्शन से अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन उतना अटैकिंग एबिलिटी इनसे उम्मीद नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं इनको ड्रॉप करने का सोचूंगा। अब अटैकिंग थर्ड की बात करूँ तो थॉर्गन हजार्ड, इर्लिंग ब्रूट हालांड और यहाँ पे मार्को रुइस। देखो हालांड वन ऑफ द टॉपेस्ट प्लेयर है और बिगेस्ट प्लेयर आप कह सकते हो, रिसेंटली जितने भी मैचेस हुआ है, अगर आप बुंदेसलीगा की बात करोगे तो इस टीम के लिए हाईएस्ट गोल स्कोर किया है, 20 प्लस गोल कर चुका है हालांड ने। तो हालांड एक ज़बरदस्त स्ट्राइकर है, किसी भी मैच में 2+ गोल करते हुए आपको दिख सकते हैं और बड़े बड़े टीम को खिलाप गोल कर सकते हैं। हालांड ऐसे प्लेयर है जो किसी भी इनका रेंज बहुत बड़ा है, किसी भी रेंज से ये गोल कर सकते हैं। हालांड पेनाल्टी टेकर भी है, तो मास्टर चॉइस है यहाँ पे इर्लिंग ब्रूट हालांड। साथ साथ मार्कोस रुइस भी आपको कॉर्नर लेते हुए दिख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। हालांड और रियूस का जोड़ी अच्छा है, तो असिस्ट आपको मिल सकते हैं रियूस से। थॉर्गन हैजार्ड भी अच्छा है, लेकिन तीन स्ट्राइकर आप नहीं ले सकते इस टीम से। अगर आप मैनेज करोगे, डिफेंडर्स अवॉइड करोगे, तब ले सकते हो, लेकिन तब अच्छा करना पड़ेगा, जितने भी स्ट्राइकर लोगे उनका अच्छा करना पड़ेगा। अगर लो स्कोरिंग मैच होगा तो डिफेंडर्स ज़्यादा पॉइंट्स देके जाएगा, तो थॉर्गन हैजार्ड के ऊपर आप रिक्स ले सकते हो, इनको आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, इनके ऊपर आपका मैच डिसाइड हो सकती है। सो देखो प्लेयर तो अच्छा है सारे के सारे, लेकिन इनमें से स्मॉल लीग की पिक की बात करूँ तो हालांड डेफिनेटली ऑप्शन है, मार्कोस रियूस ऑप्शन है, एमडी कैन यहाँ पे हैजार्ड ऑप्शन है, राफेल गुडेरो, हुमेल साकिनी, थॉमस मिनियोर को भी मैं ऑप्शन में रखता हूँ। तो मैं टोटल बताया हूँ 8 प्लेयर, इनमें से आपको लेना है 7, इवन आप बिलिंगहम के ऊपर भी रिक्स ले सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम की। सो फ्रैंकफर्ट टीम को आप एकदम से निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, टीम अच्छा है, स्ट्राइकर अच्छा है इस टीम में, गोल्स कर सकते हैं और इनके पास डिफेंसिवली एबिलिटी भी अच्छा है। तो गोलकीपर्स में आपको केविन ट्राप खेलते दिख जाएगा, ये भी एक अच्छे गोलकीपर है। डिफेंस में स्टेफन लेंकर है, इस लेंकर हेडर में बहुत स्ट्रांग है, इवन ये जब जब सब्स्टिट्यूट आते हैं मैक्सिमम टाइम गोल करते हैं, अगर इनको स्ट्राइकिंग पोजीशन पे खिलाता है, एक ऐसे प्लेयर है मल्टीपल पोजीशन पे खेल सकती है स्टेफन लेंकर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है डिफेंडर्स में। इवन इंडिका भी अच्छा है, लेकिन मैं इंडिका से इस लेंकर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा अगर डिफेंडर्स में किसी भी प्लेयर्स को आपको लेना है। और क्रेडिट भी कर देते इस लेंकर, 8 क्रेडिट में आपको अवेलेबल मिलेगा। केविन ट्राप मास्टर चॉइस है, उसका रीजन है सामने बुर्शिया डॉटमुन जैसे टीम है, तो वो ज्यादा ऑन टारगेट डेफिनेटली रखेगा। ये टीम भी ऑन टारगेट ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि इनके पास भी क्वालिटी स्ट्राइकर है, तो दूसरा टीम का भी गोलकीपर्स गेम में आ सकते हैं। यहाँ पे टूटा इंडिका मैं उतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं स्लेंकर को स्लाइटली ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा इंडिका के ऊपर, आप स्लेंकर को ले सकते हो। मिडफील्डर्स में रोडे का ऑप्शन है, शो है, ड्रूम, कॉस्टिक। देखो फिलिप कॉस्टिक जो लास्ट इनकाउंटर हुआ था, जो नेशनल क्वालिफायर्स था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब गया था, लेकिन प्लेयर अच्छा है, डेफिनेटली किसी भी पोजिशन पर गोल स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रैंकफर्ट के लिए इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और इनका जो ये ट्रायो है ना, कॉस्टिक, कमाडा, सिल्वा, जबरदस्त ट्रायो है, किसी भी टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी भी टीम को ये हरा सकता है, और इनके जाल में ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख जैसे टीम पड़ चुका है, तो आप समझ सकते हो कॉस्टिक, कमाडा, सिल्वा कैसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो कॉस्टिक मैक्सिमम टाइम फ्री किक लेते हैं, कॉर्नर लेते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। कमाडा भी शेयर करते हैं कभी कभार कॉर्नर फ्री किक, तो ये दो प्लेयर्स मस्ट हैव चॉइस आपके लिए होने वाला है। यूनिट्स के ऊपर आप रिक्स ले सकते हो ग्रैंड लीग में। रोडे एक अच्छा ऑप्शन होगा, बजट पिक बन सकते हैं, क्रेडिट कम है, प्लेयर टैकलिंग इंटरसेप्शन अच्छा कर लेते हैं, तो इनके साथ आप जा सकते हो। और स्ट्राइकिंग ऑप्शन में एंद्रे सिल्वा खेलते हुए दिख जाएगा, इस सीजन बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किए और शेयर गोल स्कोरिंग अभी तक हुआ है हालैंड और एंद्रे सिल्वा का, सेम टू सेम गोल है शायद यहाँ पे बुंदेसलीगा में। तो एंद्रे सिल्वा एक जबरदस्त स्ट्राइकिंग करते हैं और जबरदस्त स्ट्राइकर भी है, और
टीम का पेनल्टी टेकर है, तो फ्रैंकफर्ट का सबसे मेन स्ट्राइकर है आंद्रे सिल्वा, डेफिनेटली एक बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। लेकिन क्रेडिट का दिक्कत आने वाला है, तो सारे बड़े प्लेयर्स आप नहीं ले पाओगे इस मैच में, किसी एक दो बड़े प्लेयर्स को आपको छोड़ना पड़ेगा क्रेडिट के हिसाब से। तो इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करो स्मॉल लीग की ऑप्शन की, तो आंद्रे सिल्वा ऑब्वियस पिक है। कमाडा, डेलिची कमाडा अच्छा है, कोस्टिक अच्छा है, रोडे को मैं रेट करता हूँ, स्लेंकर और ट्रैप, ये जो मैं पांच प्लेयर्स बताया हूँ इनमें से चार लेना है, किसी भी चार को आप ले सकते हो। तो चलिए आप बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरा टीम कॉम्बिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं गोलकीपर सेक्शन से। तो गोलकीपर से मैं ट्रैप को ही पिकअप किया हो, आपके पास हिट्स का ऑप्शन आप ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे मेरा 7-4 की कॉम्बिनेशन करना है, तो मैं हिट्स के साथ ही जाऊंगा, ट्रैप को मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ट्रैप बेटर हो सकती है हिट्स से। लेकिन हिट्स के पास एक एक्चुअल ये चीज़ हो सकती है कि देखो दूसरा टीम फ्रैंकफर्ट अच्छा है तो वो भी ऑन टारगेट रखेगा, तो ये सेव दे सकते हैं और स्लाइड चांस है क्लीन शीट भी हो सकती है, इस वजह से मैं ट्रैप के ऊपर हिट्स को रखा हूँ। लेकिन हिट्स से बेटर ट्रैप हो सकती है, उसका रीज़न है ज़्यादा बेटर क्वालिटी है डॉटमुंड में, तो डॉटमुंड ज़्यादा ऑन टारगेट रख सकते हैं, तो आप ट्रैप को भी ले सकते हो। गोलकीपर आपका चॉइस है, मेरा 6-5 का कॉम्बिनेशन था, इस वजह से मैं गोलकीपर चेंज कर लिया, 7-4 कर लिया। आप ट्रैप हिट्स किसी को भी ले सकते हो। तो आप डिफेंडर्स की बात कर लेते, तो उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर से कर लेना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करके रखना, ऐसे ही वीडियो सबको मिलता रहेगा। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर लाइन अप जो भी मेरी टीम में चेंजेस होगा, देखो लाइन अप में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो जो भी मेरी टीम में चेंजेस होगा आफ्टर लाइन अप आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, एक ही मात्र तरीका है, सिंपली वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में पिन कमेंट चेक करो, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, आफ्टर लाइन अप फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डिफेंडर्स, देखो डिफेंडर्स पांच लिया हूं लेकिन मुझे लेना था 3 या 4, उसका रीजन है ये हाई स्कोरिंग मैच जा सकते हैं, सो आप मिडफील्डर स्ट्राइकर मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्रेडिट के हिसाब से यही टीम मुझे अच्छा लग रही है। मैं राफेल गुडेरो नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अकिनी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो क्रेडिट यहाँ पे थोड़ा बेस्ट मेरा गया है, राफेल गुडेरो मुझे लेना ही है, इमरी कैन, मैट हुमेल्स और अकिनी, चार डिफेंडर्स को मैं पिक किया हूँ। थॉमस मुनियर का ऑप्शन है आप ले सकते हो, लेकिन क्रेडिट के हिसाब से इस्लंकर बेटर चॉइस मुझे लग रहा है, तो 8 क्रेडिट में इस्लंकर को मैं पिकअप किया हूँ। मिडफील्डर्स में मैं 3 प्लेयर लिया हूँ, कॉस्टिक कमाडा, दोनों इस टीम का मेन बोन है मिडफील्डर्स में, जो गेम मेकर करते हैं, गेम मेकिंग करते हैं, एसिस्ट सब कुछ यही देगा, गोल भी ये कर सकता है, तो कॉस्टिक कमाडा मास्टर मुझे लग रही है। बिलिंगहम के साथ आप रिक्स ले सकते हो, 5.5% सिलेक्शन है, अच्छा प्लेयर है। यहाँ पे ब्राइट अगर खेलते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। यहाँ पे मैं रोडे को पिकअप किया हूँ, और यहाँ पे स्ट्राइकर की बात करूँ तो मैं हालांट और रियूस को पिकअप किया हूँ, लेकिन आंद्रे सिल्वा को लेने का मन मुझे बहुत है, लेकिन 10.5 क्रेडिट, अगर आंद्रे सिल्वा लेना है तो आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं अभी आंद्रे सिल्वा को ड्रॉप किया हूँ। अगर लाइनअप्स के बाद कोई बड़े प्लेयर मिस आउट होते हैं, कुछ क्रेडिट मेरे पास हो जाते तो शायद मैं आंद्रे सिल्वा ले सकता हूँ। तो आंद्रे सिल्वा, थॉर्गन हजार्ड, दो ऑप्शन है स्ट्राइकिंग ऑप्शन में, तो आप ले सकते हो क्रेडिट मेंटेन करते हुए। तो ये मेरा अभी तक का टीम है, लेकिन इस टीम में डेफिनेटली चेंजेस हो सकते हैं। कैप्टन हालांड, वाइस कैप्टन राफेल गुडेरो, आपके पास वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन रियूस है, इमरी कैन है, तो ये तो मैं वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन रखता हूँ, तो ये इसमें से आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस कर लेना। ये मेरा अभी तक का टीम है, अगर ये मैच 0-1 से जीतते हैं या 2-0 से यहाँ पे जीत जाते हैं डॉटमुंड, तो ये टीम बहुत अच्छा करके देगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर फ्रैंकफर्ट गोल नहीं मार सकते तब ये टीम बहुत बढ़िया करके देगा, लेकिन अगर बहुत सारी स्कोर हो गया जैसे मुझे लग रही है 2-1 स्कोर शीट, तो आप डिफेंडर्स कम करते हुए स्ट्राइकर मिडफील्डर्स में ध्यान दे सकते हो, और जो भी मैं कर सकता हूँ आफ्टर लाइनअप, तो जो भी मेरी टीम में चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका अपडेट मिल जाएगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या कमेंट में पिन कमेंट, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, आफ्टर लाइनअप जो भी मेरा फाइनल टीम होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए।